हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मुल्कराज आनंद। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी एंड उनके वर्क को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आरके नारायण के बायोग्राफी और उनके वर्क्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मुल्कराज आनंद की। मुल्कराज आनंद जो है वो कंटेम्प्रेरी थे, जो एक ट्रायो था हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव का, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे और एक बहुत ही बेहतरीन नॉवलिस्ट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 एंड ही डाइड ऑन 28 सेप्टेम्बर 2004। इनका लाइफ स्पैन है और इनका बर्थ प्लेस था वो था पेशावर। ही पास ग्रेजुएशन इन 1925 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हुई थी और 1920 में इन्होंने 10th कंप्लीट किया था एंड 1925 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ही वॉज एसोसिएटेड विद T.S. Eliot's पीरियोडिकल द क्राइटीरियन। T.S. Eliot का एक पीरियोडिकल था द क्राइटेरियन, उसके साथ ये जुड़े हुए थे एंड T.S. Eliot के साथ ये ब्लूम्सबेरी जो इनका ग्रुप था वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है द क्राइटेरियन को लेके, इसको नोट करिएगा। ही इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवल। तो हु इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया? मुल्कराज आनंद इज नोन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया एंड हिज फादर नेम वॉज लालचंद। एंड इनकी मैरिड जो हुई थी वो कैथलीन वेन से हुई थी 1939 में, बट 1948 में ही इनका डाइवोर्स हो गया था। अवार्ड्स की बात करें तो 1953 में इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज मिला था एंड 1967 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। साहित्य एकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था एंड ये अवार्ड मिला था मॉर्निंग फेस के लिए। मॉर्निंग फेस इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई थी 1968 में। सो मॉर्निंग फेस वॉज रिटन इन 1968 बट ही गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर द नॉवल मॉर्निंग फेस। इन 1978 ही गॉट ईएम फॉस्टर अवार्ड। ईएम फॉस्टर अवार्ड मिला था इन्हें कन्फेशन ऑफ अ लवर जो इनकी एक नॉवल है उसके लिए एंड ₹3,000 इन्हें एज अ प्राइज मिली थी ईएम फॉस्टर अवार्ड में। अब बात करते हैं इनके कुछ वर्क्स की। अनटचेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इनकी अर्लीस्ट नॉवेल्स में से एक है जो कि पब्लिश हुई थी 1935 में। एंड अनटचेबल जो है एक स्टोरी है सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बखा। बखा जो कि अनटचेबल का प्रोटेगोनिस्ट भी है, बखा एक स्वीपर होता है। किस तरीके से उसको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ता है हाई क्लास के लोगों से, उस पे ही ये सारी की सारी नोवेल बेस्ड है। मुल्कराज आनंद जो लिखा करते थे वो जो इंडियंस के अंदर की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो पीजेंट्स के बारे में लिखा करते थे, पुअर्स पीपल के बारे में लिखा करते हैं। और यहाँ पे इस नॉवल में उन्होंने अनटचेबिलिटी जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तब भी थी और अभी भी कहीं हद तक है, उसी के बारे में इस नॉवल पे सारा लिखा हुआ है। ओरिजिनली टाइटल बखा, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ अनटचेबल इज बखा। जब वो महात्मा गांधी एंड T.S. Eliot के साथ इस नॉवल को डिस्कस कर रहे तब उन्होंने इस नॉवल का नाम बखा रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम अनटचेबल करके ये पब्लिश हुई। एंड द प्रोटेगोनिस्ट इज बखा एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल, द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल वॉज रिटन बाई ईएम फॉस्टर। एंड सेटिंग जो इसकी रखी गई है वो एक फिक्शनल टाउन है बुलाशा, वहां पे इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है। एंड स्पीच ऑफ महात्मा गांधी इंक्लूडेड इन दिस नॉवल। क्वेश्चन पूछा जाता है इन विच नोवल ऑफ मुल्कराज आनंद स्पीच ऑफ महात्मा गांधी वॉज इंक्लूडेड, सो अनटचेबल। एंड सॉल्यूशन फॉर अनटचेबिलिटी यूज ऑफ मशीन, जो सॉल्यूशन दिया था इस नोवल में लास्ट में अनटचेबिलिटी का, ये जो लोग स्वीपर्स थे ये तो जो यस बखा था उन लोगों का जो काम था वो ह्यूमन वेस्ट को
अपने सर पे ढो के उस टाइम पे लेके जाते थे। तो जब महात्मा गांधी स्पीच दे रहे थे तो वहां पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं यूज ऑफ मशीन से, यहाँ मतलब जो फ्लश वाले जो टॉयलेट हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, उसका एक सॉल्यूशन ये यहाँ पे दिया गया था। अब बात करते हैं इस नोवेल के कैरेक्टर्स की। तो फर्स्ट कैरेक्टर बखा जो कि प्रोटेगोनिस्ट है, एंड रामचरण एंड छोटा ये बखा के दोस्त होते हैं, एंड लाखा लाखा बखा का फादर है, एंड लाखा जो है वो जो सभी स्वीपर्स हैं जो जमादार हैं उनका हेड होता है, एंड सोहिनी जो कि बखा की सिस्टर है, एंड पंडित कालीनाथ सेक्सुअली हैरेस करता है सोहिनी को, एंड हवलदार चरत सिंह जो कि एक हाई क्लास पर्सन है, हवलदार चरत सिंह से ही बखा जो है वो टकराता है, एंड रामचरण एंड छोटा मिलके इस हवलदार को मारने की प्लानिंग करते हैं, हालांकि बाद में बखा उनको मना कर देता है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। पूछा जाता है मेनली एक तो बखा के लिए पूछा जाता है, एंड सेकेंड हु वॉज द पंडित, पंडित कालीनाथ ये पूछा जाता है, एंड हाई क्लास पर्सन उस पर कौन था हवलदार चरत सिंह ये भी इसमें पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इनकी नोवेल है कूली, 1937 में पब्लिश हुई थी। कूली में एक मुन्नो एक बच्चे की कहानी है, एक 14 साल का बच्चा होता है, गरीब बच्चा जो कि काम करते करते लास्ट में टीवी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है। उसी पे सेंटर्ड ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से ब्रिटिश पीपल ने पुअर पीपल का हमेशा एक्सप्लोटेशन किया है, उससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो इट क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया कूली, एंड इट इज नोन एज कैरेक्टर नोवेल। पिछली बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच नोवेल ऑफ मुल्क राजानंद इज नोन एज कैरेक्टर नोवेल, तो कूली इज नोन एज कैरेक्टर नोवेल, एंड हु कॉल्ड कूली अ कैरेक्टर नोवेल, एडविन म्यूर कॉल्ड कूली अ कैरेक्टर नोवेल, एंड इट टॉक्स ऑन सोशल स्ट्रक्चर, एंड कूली मुन्नो जो छोटा बच्चा है उसने काम किया था बाबू नाथुराम, प्रभु दयाल एंड मिसेस मेन वेरिंग, और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, उसका मिसयूज किया वो मिसेस मेन वेरिंग ने किया, और उन्हीं के लिए लास्ट में काम करते करते मुन्नो की डेथ हो जाती है। टू लीव सेना बट 1937 में पब्लिश हुई थी, एंड इट इज अ हार्ट रेंचिंग नॉवल, बहुत ही दुखी कर देने वाली ये नॉवल है एक तरीके से। एंड गंगू प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल डील्स विद हार्डशिप ऑफ फैमिली, बहुत बुरी स्थिति होती है, गंगू की एक पीजेंट होता है काफी गरीब फैमिली से है, तो उनकी जो भी हार्डशिप होती है अपनी फैमिली का पालन पोषण करने में उसको इस नॉवल में दिखाया गया है, एंड इट इज रिलेटेड टू पीजेंट बेस्ड ऑन टी प्लांटेशन ऑफ असम, एंड एडेप्टेशन ऑफ हिंदी फिल्म राही, हिंदी फिल्म राही भी बन चुकी है इस नोवेल से, एंड स्टोरी ऑफ होशियारपुर, होशियारपुर की एक स्टोरी बताई गई है उस गांव की। इसके कैरेक्टर्स हैं गंगू जो कि मेन प्रोटैगोनिस्ट है इस नोवेल का, ये एक किसान है, सजनी वाइफ ऑफ गंगू, गंगू की वाइफ होती है, एंड लास्ट में ये कॉलेरा के कारण इसकी डेथ हो जाती है। लीला एंड बुदू ये चिल्ड्रन हैं गंगू के, सन एंड डॉटर ऑफ गंगू, क्रॉफ्ट कुक ये ओनर होते हैं बागान के, जो चाय का बागान है आसाम में उसका ओनर है क्रॉफ्ट कुक, एंड रेजी हंट एक अंग्रेज है जो कि गंगू को गोली मार देते हैं, लेकिन हालांकि इनको कोई सजा नहीं होती है, जो ब्रिटिश लोग हैं वो इनको छुड़ा लेते हैं, वो मानते नहीं है कि इन्होंने गंगू को गोली मारी थी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद ट्रिलॉजी एक लिखी थी मुल्क राज आनंद ने 1939 से 1942 के बीच में, और ये ट्रिलॉजी ट्रिलॉजी इज अ वर्क, मतलब एक तीन नॉवेल्स का या कोई भी तीन वर्क है इनके किसी के भी, उसका एक ग्रुप को हम ट्रिलॉजी कहते हैं। तो ये तीन नॉवेल्स इन्होंने इसमें लिखी थी, और सेम प्रोटेगोनिस्ट, एक ही प्रोटेगोनिस्ट लाल सिंह के नेम से ही इन्होंने ये तीनों नॉवेल्स लिखी थी। तो इसमें जो सबसे पहली नॉवेल थी वो थी द विलेज, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1939, एंड इट इज अ स्टोरी ऑफ लाल सिंह हु वॉज अ पीजेंट इन पंजाब, एंड सेकेंड जो थी वो थी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स पब्लिश्ड इन 1939, एंड इट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ लालू, लालू वॉज अ सिपाही इन
इंडियन आर्मी, बट ही फाइट्स ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट जर्मन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड थर्ड जो वर्क था इनका इस ट्रिलॉजी में वो था द स्वॉर्ड एंड द स्किल, एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1942। और इसका टाइटल दिया था जॉर्ज ऑरवेल ने, और ये नॉवल डील्स विद राइज ऑफ कम्युनिज्म एंड स्टोरी ऑफ पीस एंड मूवमेंट हुआ था एक यूपी उत्तर प्रदेश में 1920 एंड 21 में। उसी की ये स्टोरी है कि किस तरह से उनका उत्थान हुआ था, वो सब इसमें दिखाया गया है। मुल्कराज आनंद पब्लिश्ड सीरीज ऑफ सेवन नॉवल्स इंटाइटल्ड सेवन समर्स इन 1951। जैसे शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में उन्होंने सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से मुल्कराज आनंद ने भी एक नॉवल की सीरीज को पब्लिश किया था, सेवन नॉवल्स की सीरीज को। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज होती है सेवन पार्ट्स में, सेवन समर्स, जिसमें सेम प्रोटैगोनिस्ट होता है कृष्णा चंद्र। जैसे कि ट्रिलॉजी में हमारा सेम प्रोटैगोनिस्ट था लाल सिंह, एंड जो सेवन सीरीज है सेवन नोवेल्स की, इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका नाम है कृष्णा चंद्र। तो सेवन समर्स 1951, उसके बाद मॉर्निंग फेज 1968। तो मॉर्निंग फेज के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, और साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में, एंड मॉर्निंग फेज वॉज पब्लिश्ड इन 1968। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मॉर्निंग फेज वॉज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। देन कन्फेशन ऑफ लवर पब्लिश्ड इन 1976, बबल पब्लिश्ड इन 1984, लिटिल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी पब्लिश्ड इन 1990, एंड नाइन मूड्स ऑफ भारत पब्लिश्ड इन 1999। द ओल्ड मैन एंड द काउ, ये भी एक नॉवल है इनकी, काफी इंपॉर्टेंट नॉवल है। 1960 में ये नॉवल पब्लिश हुई थी, एंड सब टाइटल है जो इस नॉवल का गौरी है, और गौरी ही इस नॉवल की प्रोटेगोनिस्ट भी है। ये इनकी हीरोइन सेंटर्ड नॉवल थी, अधिकतर जो नॉवल है होती है मुल्कराज आनंद की थी वो सभी की सब हीरो सेंटर्ड होती है, बट इट वॉज अ हीरोइन सेंटर्ड नोवेल बाई मुगुराज आनंद, एंड गौरी वॉज द काउ ऑफ द टाइटल, द ओल्ड वुमन एंड द काउ। तो इसमें जो काउ है इट वॉज गौरी, हु वॉज सोल्ड टू लस्टी साहूकार। इसका जो हस्बैंड होता है गौरी का, पंछी, वो गौरी को बेच देता है एक लस्टी साहूकार को। एंड कॉलोनिल महेंद्र, कॉलोनिल महेंद्र एक नोबल मैन है जो गौरी को बताता है कि किस तरीके से उसका मिसयूज हो रहा है, और गौरी को किस तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, ये सब वो उसको सिखाता है। उसके बाद इस नोवल में ये दिखाया गया है कि कैसे गौरी जो एक काउ होती है वो एक टाइग्रेस बन जाती है। कुछ अदर्स नोवल हैं मुल्कराज आनंद की, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस पब्लिश्ड इन 1953। दिस नॉवल डील्स विद सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये नॉवल डील करती है कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म को, हालांकि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। एंड द रोड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1963, इस नॉवल के प्रोटेगोनिस्ट हैं बीखू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीखू वॉज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ विच नॉवल, या फिर द रोड में प्रोटेगोनिस्ट कौन है। एंड द डेथ ऑफ द हीरो पब्लिश्ड इन 1964, दिस नॉवल इज अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर। एंड द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड 1934 में पब्लिश हुई थी। ये शॉर्ट स्टोरीज का इनका कलेक्शन था, एक बच्चा, उसके माता पिता, उसकी एक स्टोरी है इसमें। एंड द बिग हार्ट पब्लिश्ड इन 1945, एंड द बिग हार्ट की जो प्रोटेगोनिस्ट होती है वो है अनंता। एंड दिस नॉवल इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉपर स्मिथ एंड कैपिटलिस्ट, द बिग हार्ट। एंड मुल्कराज आनंद ने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज इन 1934, एंड सेकेंड द बार्बर ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज 1944, पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1959,
एंड कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1947, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1966 एंड रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड पब्लिश्ड इन 1953 एंड इंडियन फेरी टेल्स पब्लिश्ड इन 1946। और मुल्कराज आनंद की कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी हैं, सेवन समर्स 1951 जो कि सीरीज है सेवन नॉवेल्स की, एंड मॉर्निंग फेस 1968, साहित्य अकेडमी भी इसी के लिए मिला था, एंड पीपली साहिब 1985, एंड कन्वर्सेशन इन प्लूम्स पेरी अ मेम्योर पब्लिश्ड इन 1981। ब्लूम्सबेरी, तो ये ब्लूम्सबेरी जो है, ये ब्लूम्सबेरी क्या है? तो ब्लूम्सबेरी एक ग्रुप था जो कि एसोसिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, एंड इसके जो मेंबर्स थे, ये क्वेश्चन भी आता है कि हु वर द मेंबर्स इन ब्लूम्सबेरी ग्रुप, तो इसमें थी वर्जीनिया वुल्फ, टी एस एलियट, डी एस लॉरेंस एंड ई एम फॉस्टर। तो ये कुछ वर्क्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मुल्कराज आनंद से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको इससे कुछ फायदा मिलता है, तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।